Hello everyone, welcome back to Noble Chemistry Classes. Now today we are going to start today's topic, Rutherford's model of an atom and discovery of nucleus. जो Rutherford's model of an atom है, इसी का दूसरा नेम हम कह सकते हैं discovery of nucleus. यानी कि जो nucleus था, उस nucleus की जो discovery की थी, वो किसने की थी? Rutherford ने की थी. तो इन्हीं के नाम पे इस model को नाम दिया गया था Rutherford's model of an atom. From structure of an atom for class 11. So let's restart here. First of all, in last video we have discussed about the Thomson model of an atom. तो Thomson model of an atoms के अंदर हमने electrons की arrangement पढ़ी थी. Protons, उससे पहले हमने electron proton की discovery करी थी. तो इन सब को discovery करने के बाद, इनके arrangement को करने के बाद, जो Rutherford और जो उसके students थे, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि ये जो आखिर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये आखिर उस एटम के अंदर कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. कंडीशंस के लिए उन्होंने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था. तो यहाँ से जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो रदरफोर्ड थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था. उस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था. इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने किया क्या था कि एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था. उस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स के अंदर इन्होंने जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, उनकी बम्बार्डिंग कराई थी थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम मेटल्स के साथ. तो यहाँ सबसे पहले इन्होंने क्या लिया था, ये एक हमारे पास क्या है, ब्लॉक ऑफ लेड. दिस इज ब्लॉक ऑफ लेड. ठीक है, हमने मान लिया कि ये हमारे पास क्या है, ब्लॉक ऑफ लेड. यहाँ इसके बीच में यहाँ क्या रखे गए हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखे गए हैं. ठीक है, रेडियम जैसे. और यहाँ हमने एक सर्कुलर फिल्म लगाई है, थिन सर्कुलर फिल्म. दिस इज ए थिन सर्कुलर फिल्म. एंड व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर कम्स फ्रॉम दिस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड पास थ्रू हेयर. नाउ दिस इज ए थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, थिन फॉइल ऑफ गोल्ड. ठीक है, तो यहाँ पे जो रदरफोर्ड थे, इन्होंने क्या करवाया कि जो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, यहां से जो आ रहे हैं, ये कौन से पार्टिकल्स हैं, दैट इज अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से आ रहे हैं, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से आ रहे हैं. यहाँ इस ब्लॉक ऑफ लेड के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा गया है, जो सोर्स है किसका, अल्फा पार्टिकल्स का. तो यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, जो इस ब्लॉक ऑफ लेड के अंदर रखे गए हुए हैं, जब ये पास करते हैं, यहाँ इनकी जो ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, इस रेज की जो बीम है, उसको अच्छे से प्राप्त करने के लिए हमने यहाँ क्या लगाई हुई है, स्लिट्स लगाई हुई है. Now slits are used to get a fine beam. Now this is a slits. ठीक है, अब यहाँ पे जो रदरफोर्ड थे, इन्होंने कहा कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई इन्होंने थिन फॉइल ऑफ गोल्ड फॉइल के साथ, यहाँ आप गोल्ड की जगह सिल्वर या प्लेटिनम मेटल्स भी लिख सकते हो. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, वो ऑब्जर्वेशन क्या थी कि यहाँ से जो पार्टिकल्स हैं, ये जो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, वो कुछ तो क्या हो गए, बिना डिफ्लेक्ट हुए वो उसी पाथ में वापस, मतलब डायरेक्ट सीधे चले गए. और कुछ क्या हुआ कि यहाँ से वापस बैक हो गए, कुछ स्मॉल एंगल्स के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए और कुछ वापस उसी पाथ के अंदर, जिस पाथ में गए थे उसी पाथ के अंदर वापस आ गए. तो यहाँ इन्होंने ये तीन ऑब्जर्वेशन किया कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या किया कि जो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, इस ब्लॉक ऑफ लेड से जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, जो जब वो इस थिन फॉइल ऑफ गोल्ड के साथ स्ट्राइक करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सम अल्फा पार्टिकल्स आर पास थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कि जो भी अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं वो पास हो गए उस थिन फॉइल के अंदर से विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना किसी भी डिफ्लेक्शन के. दूसरा इन्होंने ऑब्जर्व किया
कि सम इफ यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स, कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल्स के ऊपर डिफ्लेक्ट हो गए. और एंड थर्ड इन्होंने ऑब्जर्व किया कि सम अल्फा पार्टिकल्स आर पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक इन सेम पाथ एट. इन तीन ऑब्जर्वेशन के ऊपर इन्होंने कंक्लूजन निकाला था. वो कंक्लूजन क्या निकाला उसके लिए हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं. तो सो लेट्स वी स्टार्ट हियर. फर्स्ट रदरफोर्ड परफॉर्म ए स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट scattering experiments with his students he bombarded some alpha particles with thin foil of gold, silver or platinum. The source of alpha particle was radium, which is a radioactive substance. जो radium है वो क्या है, एक radioactive substance है. Place in a place in a block of lead here slits are used to get fine beam. The presence of alpha particle was detected by a circular zinc sulfide screen now in this diagram this is a circular zinc sulfide screen. इस screen के through ही हमें क्या पता चला था, alpha particles की presence के बारे में पता चला था. अभी तक हमने यहाँ देखे पहले एक बार कि हमने सबसे पहले क्या कहा कि Rutherford performed a scattering experiments with his students. जो Rutherford थे उन्होंने एक scattering experiment perform किया था उसके विद्यार्थियों के साथ, मतलब उसके अपने जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ. ही बम्बार्डेड सम अल्फा पार्टिकल्स विद थिन फॉइल ऑफ गोल्ड सिल्वर और प्लैटिनम. उसने बम्बार्डेड करवाई थी किसके, अल्फा पार्टिकल्स की, किसके साथ, थिन फॉइल ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड प्लैटिनम के साथ. द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज रेडियम. जो अल्फा पार्टिकल है वो कहाँ से प्राप्त हो रहे थे, रेडियम से प्राप्त हो रहे थे. एंड रेडियम वाज, रेडियम इज ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस which is placed in a block of lead and here slits are used to find beam of alpha particles. जो alpha particles आ रहे थे तो उसकी beam को बहुत ही नजदीक से और बहुत ही अच्छी तरीके से get करने के लिए हमने यहाँ slits को use किया गया था. When alpha particles are strike to a thin foil of gold, now he made some observations
एंड द प्रेजेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज डिटेक्टेड बाय द जिंक सल्फाइड स्क्रीन. नाउ दिस इज द जिंक सल्फाइड स्क्रीन एंड नाउ ही मेड सम फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस. वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी, सो लेट्स सी. ही मेड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. He made following observation. Now here is first observation is that most of the alpha particle pass through the foil without any deflection. यहां से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या गया कि जो भी अल्फा पार्टिकल्स इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से पास हो रहे थे वो इस थिन फॉइल ऑफ गोल्ड से स्ट्राइक होकर सीधे क्या हो गए, उस थिन फॉइल में से पास हो गए. नाउ द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ही सेज दैट नेक्स्ट इज फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉलर एंगल. And the now third option observation is very few alpha particles deflected back through an angle greater than 90 degree. तो यहां से ये ऑब्जर्वेशन देखी गई कि जब उन्होंने स्कैटरिंग करवाई थी तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हमने बम्बार्डिंग करवाई थी तो उन बम्बार्डिंग में से बहुत सारे मतलब ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स तो क्या हो गए थे, इस थिन फॉइल में से पास हो गए थे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन के. एंड द सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज दैट फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स. कहा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए थे, डिफ्लेक्ट हुए स्मॉल एंगल्स के ऊपर. एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बैक थ्रू एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री. यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा एंगल्स के ऊपर वो वापिस ही क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए. नाउ फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूड सम रिजल्ट्स. नाउ दीज रिजल्ट्स आर वी विल डिस्कस. सो फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन he conclude that first since most of alpha particles were pass through the foil without any deflection, there must be sufficient
empty space within the atom. भाई फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकाला गया कि इसने कहा कि जो अल्फा पार्टिकल्स अगर उस फॉइल में से पास हो गए तो इसका मतलब क्या है कि वहां कोई ना कोई एम्प्टी स्पेस होगा, तभी तो वहां वो क्या हो गए, पास हो गए। अगर वो एम्प्टी स्पेस नहीं होता, खाली जगह ही नहीं होती, तो वो शायद पास ही नहीं होते। नाउ द नेक्स्ट कंक्लूजन इज दैट सिंस फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स मीन्स अल्फा पार्टिकल्स हैव पॉजिटिव चार्ज so there must be positively charged body is present in the atom। अब दूसरा कंक्लूजन क्या था, कि कुछ डिफ्लेक्ट हुई थी स्मॉल एंगल्स के ऊपर, तो स्मॉल एंगल्स के ऊपर हमें पता है अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर साइन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यानी कि जब वो पॉजिटिव चार्ज यहां तक पहुंचा तो यहाँ कोई ना कोई पॉजिटिव बॉडी जो प्रेजेंट होगी जिसने उसको डिफ्लेक्ट किया है, क्योंकि सेम चार्ज आर रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। सो हियर कंक्लूड दैट some positively charged body is present within the atoms, कि उस एटम्स के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट होगी जिससे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक होके स्मॉल एंगल्स के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए। एंड नाउ द थर्ड ऑब्जर्वेशन इज दैट सिंस अल्फा पार्टिकल्स were deflected back through an angle greater than 90 degrees then he conclude that a heavy body present in the atom occupying very small volume, यानी कि जो भी अल्फा पार्टिकल्स थे वो वापस उसी पाथ में बैक हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि यहां इस अल्फा पार्टिकल से कोई हैवी बॉडी प्रेजेंट है जो उससे स्ट्राइक करके वापस ही उसी साइड में आ गए। तो यहां से ये तीन ऑब्जर्वेशन थी, इन तीन ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूड निकाला गया था कि फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे अगर हम इसे एक एग्जांपल्स के थ्रू समझे कि हमारे हाथ में कुछ बॉल्स हैं, ठीक है, और हम सामने वाली दीवार के ऊपर उनको फेंक रहे हैं, तो आप जो अल्फा पार्टिकल्स हैं आप उन्हें कंसिडर करिए एज ए बॉल की तरह। अगर वहां उस वॉल्स के अंदर, दीवार के अंदर अगर कोई होल होगा, स्पेस होगा, तो कुछ रेस क्या हो जाएंगी, वहां उस दीवार के उस साइड चली जाएंगी, यानी कि उसमें से पास हो जाएंगी। जो आपके पास वो दीवार है वो क्या है, जस्ट लाइक एज ए जिंक सल्फाइड स्क्रीन। लेकिन
कुछ बॉल्स ऐसी होंगी, वो स्पेस अगर इतना सा है तो कुछ जो बॉल्स होंगी वो क्या होंगी, उस दीवार से स्ट्राइक करके बिल्कुल उसी के पास गिर जाएंगी, और कुछ क्या होंगे कि आप जिस पे डायरेक्शन में आपने उसको बॉल को फेंका है, तो आप जितनी स्पीड से फेंक रहे हो बॉल वापस आपके पास आ रही है। तो यही ऑब्जर्वेशंस था कि मान लीजिए आपके पास आपने बॉल्स को फेंका और अगर वो वापस उसी पाथ में आए, तो इसका मतलब क्या कि आपने उस बॉल को उस बॉल से हैवी बॉडी से स्ट्राइक करवाया है, तभी तो वो उसी पाथ के अंदर वापस आई। तो ये तो थर्ड ऑब्जर्वेशन कि अगर वो वापस उसी पाथ में आ रही है, सेम पाथ के अंदर आ रही है, स्मॉल एंगल्स जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है कि आपने उस बॉल्स को यानी कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनकी स्ट्राइक एक हैवी बॉडी के साथ करवाई, और वो हैवी बॉडी कहाँ प्रेजेंट है, उस एटम के अंदर प्रेजेंट है। इसमें से जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि जो हमने बॉल्स फेंकी वो दीवार के पार हो गई, यानी कि वहाँ कोई ना कोई होल यानी कि एम्प्टी स्पेस, खाली जगह होगा जहां से वो पास हो गई। दूसरा ऑब्जर्वेशन कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए स्मॉल एंगल्स के ऊपर, यानी कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट कब होंगे, जब वहां सेम चार्ज वाली बॉडी प्रेजेंट होगी, यानी कि जो बॉल्स हैं अगर वो सेम सेम साइज की हैं तो वो दोनों आपस में टकरा के क्या गिरेंगी, बिल्कुल उसके पास ही गिर जाएंगी। तो यहाँ क्या हुआ कि जो सेम चार्ज यानी कि अल्फा के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यानी कि जो यहाँ इस फॉइल्स के अंदर जो यानी कि जो एटम है, उस एटम्स के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिवली पार्टिकल्स होंगे जिसके पास आते ही वो अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल्स के ऊपर। और तीसरा ये था कि जो भी अल्फा पार्टिकल्स हैं वो जिस वेव में जा रहे हैं वो वापस बैक आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि उस एटम्स के अंदर कोई ना कोई एक हैवी बॉडी प्रेजेंट होगी जिससे वो स्ट्राइक करके वापस उसी पाथ के अंदर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। नाउ दिस इज अ रदर फोर्स ऑफ मॉडल ऑफ एन एटम। आफ्टर दिस ही कंक्लूड दैट यहाँ जो ऑब्जर्व किया गया कि जो स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो प्रेजेंट है वहां, वो क्या है, न्यूक्लियस है। नाउ फ्रॉम हियर जो रदरफोर्ड थे उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी कि न्यूक्लियस द स्मॉल heavy positively charged present within the atom was called nucleus. The small heavy positively charged body present within the atom was called nucleus. जो small heavy positively charged body है जो present है within the atom, इसे हमने क्या नाम दिया, nucleus नाम दिया। Now from here who discovered nucleus? Now the answer is Rutherford. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।